वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. इन दिस क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड द टॉपिक इज न्यूक्लिक एसिड. सो यहाँ पे इस क्लास में हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे और यहाँ कैसे बॉन्डिंग होगी और कैसे डीएनए का फॉर्मेशन होगा, डीएनए और आरएनए. तो मेनली जो न्यूक्लिक एसिड है, दीज आर देयर आर टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड विच आर प्रेजेंट इन अवर इन द न्यूक्लियस, दैट इज डीएनए और आरएनए. डी ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड हियर एंड आरएनए इज राइबोस न्यूक्लिक एसिड. सो स्टार्ट करते हैं. न्यूक्लिक एसिड, हियर इज टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए दैट इज डी ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, deoxyribose nucleic acid and then RNA. Here is RNA, that is ribose nucleic acid. Ribose nucleic acid. Now DNA and RNA. What is the structure or difference in between that? Deoxy, run se indicate ho raha hai ki there is deoxy, that means absence of oxygen ऑन द थ्री टू प्राइम पोजिशन पे. तो दोनों में जो राइबोज और पेंटोज शुगर होंगे, पेंटोज शुगर पर टू प्राइम पर हाइड्रोक्सिल, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ऑक्सीजन ग्रुप, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑन द सेकेंड प्राइम पोजिशन ऑफ द कार्बन और शुगर इन द शुगर, सो दे आर कंसिडर एट डी ऑक्सीराइबोज एंड न्यूक्लिक एसिड. सो स्टार्ट करते हैं विद डीएनए और डीएनए में कैसे ये डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे. कौन कौन से नाइट्रोजन बेस है? हियर इज एडिनिन एंड ग्वानिन. एडिनिन एंड ग्वानिन, इन द बोथ एडिनिन एंड ग्वानिन आर हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस. इन दिस केस देयर आर टू साइकिल्स बिकॉज दे आर हेट्रोसाइक्लिक, तो दो साइकिल होंगे यहाँ पे. और देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप. और यहाँ पे जो हेट्रोसाइक्लिक है, दोनों साइकिल्स बोथ द साइकिल इन एडिनिन एंड ग्वानिन आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर. तो सिमिलर इन स्ट्रक्चर होंगे, देन यहाँ पे सिमिलैरिटीज क्या होगी और क्या डिफरेंस है? सबसे पहले स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं. तो फर्स्ट जो फर्स्ट पोजिशन पे कौन होगा? हियर इज नाइट्रोजन. देन थर्ड पोजिशन पे अगेन नाइट्रोजन हियर, एंड हियर इज सेकेंड साइकिल. तो नंबरिंग देख लेते हैं. फर्स्ट हियर इज सेकेंड कार्बन, थर्ड नाइट्रोजन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स कार्बन, एंड इन केस ऑफ एडिनिन देयर इज अमाइन ग्रुप. अमाइन ग्रुप सिक ऑन प्रेजेंट ऑफ सिक्स कार्बन, सिक्स कार्बन पे प्रेजेंट होंगे ना सिक्स. देन हियर इज सेवन, एट कार्बन एंड नाइन्थ पर नाइट्रोजन. और ये है एडिनिन का स्ट्रक्चर. एडिनिन स्ट्रक्चर में यही स्ट्रक्चर होंगे. अब नाउ सेकेंड स्ट्रक्चर ऑफ ग्वानिन. ग्वानिन में कैसे स्ट्रक्चर होंगे? हियर इज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स. यहाँ पे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा, एक ऑक्सीजन. नाउ टू प्राइम पे सेकेंड पोजीशन पे हियर इज अमाइन ग्रुप ऑन सेकेंड पोजीशन. देन यहाँ पे सेवन, नाइन और एट, बट इनके बस हियर इज ए ग्वानिन. स्ट्रक्चर इज ग्वानिन. बट इन केस ऑफ एडिनिन एंड ग्वानिन बोथ नाइन्थ पोजिशन नाइट्रोजन टेक पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन विद द शुगर मॉलिक्यूल. यहाँ पे शुगर मॉलिक्यूल से ये बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा इन फर्स्ट कार्बन. जो फर्स्ट कार्बन है, नाइन्थ नाइट्रोजन है, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे इन पेंटोज शुगर, और पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन से ही बाइंड करेंगे. तो जो बॉन्डिंग होती है इन बिटवीन नाइट्रोजिनस बेसिस एंड पेंटोज शुगर, ये कहाँ होती है? शुगर के फर्स्ट कार्बन और जो एडिनिन या कोई भी एडिनिन और ग्वानिन पाइरिमिडिन है, सॉरी प्यूरिन्स, प्यूरिन्स के नाइन्थ पर नाइन्थ कार्बन की पार्टिसिपेट करेंगे. और यहीं पे नाइन और वन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा इन बोथ द केसेस, इन एडिनिन एंड ग्वानिन दोनों ही केस में. बिकॉज दे आर हेट्रोसाइक्लिक, सो नाइन कार्बन या नाइन नाइट्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और ये दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे इन द बॉन्ड फॉर्मेशन इन बिटवीन
इन बिटवीन 1 and 9 के बीच में 1 carbon and 9 पोजिशन पे नाइट्रोजन. तो नाउ नेक्स्ट इज पायरिमिडिन्स. पायरिमिडिन कैसे होते हैं और इनका स्ट्रक्चर, ये हेट्रोसाइक्लिक होंगे, दीज आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. फर्स्ट रिंग इज बेंजीन रिंग, सिमिलरली हियर इज आल्सो डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग, एंड सेकंड इज इमिडाजोल रिंग. तो ये स्ट्रक्चर है. नाउ सेकंड ऑफ पायरिमिडिन्स, पायरिमिडिन्स स्ट्रक्चर ऑफ पायरिमिडिन्स. पायरिमिडिन के स्ट्रक्चर कैसे होंगे यहाँ पे और कौन कौन से नाइट्रोजिनस बेसिस होंगे? एडिनिन. नाइट्रोजिनस बेसिस आर साइटोसिन, थाइमीन, थाइमीन एंड यूरेसिन. साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरेसिन. तो ये स्ट्रक्चर है पायरिमिडिन्स के. अब पायरिमिडिन में साइटोसिन, थाइमीन एंड यूरेसिन कैसे होंगे स्ट्रक्चर से देख लेते हैं. सिमिलरली जैसे वहां पे सेकंड पे नाइट्रोजन, फर्स्ट नाइट्रोजन देन थर्ड नाइट्रोजन, सिमिलरली यहाँ पे भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स नंबरिंग करेंगे. देन हियर इज डबल बॉन्ड, फर्स्ट सिक्स पोजीशन पे यहाँ पे क्या होगा, इन केस ऑफ साइटोसिन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कीटोन ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होंगे. साइटोसिन के केस में यहाँ पे अमाइन ग्रुप, सेकंड पे कीटोन ग्रुप इन केस ऑफ साइटोसिन, सेकंड नंबर पे थाइमीन. थाइमीन के केस में सिमिलरली जो साइक्लिक कंपाउंड है, साइक्लिक स्ट्रक्चर सेम सिमिलर ही होगा कि यहाँ पे फर्स्ट पर नाइट्रोजन देन थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड नाइट्रोजन, सिक्स पर कीटोन ग्रुप, हियर इज आल्सो कीटोन. अब थाइमीन है तो फिफ्थ पर मिथाइल ग्रुप अटैच होंगे, हियर इज थाइमीन. नाउ यूरेसिन, अब यहाँ पे इन द केस ऑफ यूरेसिन सिमिलर, ये सिमिलर टू थाइमीन होंगे बट देर इज एब्सेंस ऑफ मिथाइल ग्रुप, बट जो स्ट्रक्चर है साइक्लिक कंपाउंड का सिमिलर होगा. कीटोन सेकंड पर भी कीटोन इन केस ऑफ यूरेसिन. अब यहाँ पे बॉन्डिंग कैसी होगी, थर्ड नाइट्रोजन पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विथ शुगर, पेंटोज शुगर से ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे थर्ड नाइट्रोजन के थ्रू, और ये थर्ड नाइट्रोजन शुगर के फर्स्ट कार्बन से बाइंड करेंगे. तो यहाँ पे बॉन्डिंग किसके बीच होगी, इन बिटवीन थ्री नाइट्रोजन और फर्स्ट कार्बन के बीच में बॉन्डिंग का बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और नाइट्रोजनस बेस शुगर पेंटोज शुगर से अटैच हो जाएंगे. नाउ इन द केस ऑफ साइटोसिन देर इज अ टू फंक्शनल ग्रुप कीटोन एंड अमाइन, एंड इन केस ऑफ थाइमिन देर इज थ्री टू फंक्शनल ग्रुप कीटोन एंड विच इज यहाँ पे कीटोन जो अटैच होंगे ऑन सिक्स कार्बन और सेकेंड कार्बन पे. ना मिथाइल ग्रुप इज अटैच ऑन द फिफ्थ कार्बन. इन केस ऑफ यूरेसिन द बोथ द कीटोन आर अटैच ऑन द सिक्स और सेकेंड कार्बन पे अटैच होंगे. तो दोनों तीनों में स्ट्रक्चर सेम, जो साइक्लिक कंपाउंड है साइक्लिक की तो जो रिंग है वो सेम है बट जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट है. ये सभी जो कीटोन ग्रुप है तीनों ही पोजीशन, मतलब साइटोसिन थाइमिन एंड यूरेसिन में कीटोन ग्रुप टू प्राइम पर प्रेजेंट होंगे बट यहाँ पे डिफरेंट है, सिक्स पर सभी में डिफरेंट है. इन केस ऑफ साइटोसिन जो अमाइन ग्रुप है दे आर प्रेजेंट ऑन सिक्स पोजिशन. नाउ इन केस ऑफ थाइमीन ऑन सिक्स पोजिशन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कीटोन ग्रुप, बट ऑल्सो देर इज ऑल्सो वन डिफरेंस ऑफ यूरेसिल देर इज अ प्रेजेंस ऑफ टू कीटोन ग्रुप ऑन सिक्स एंड सेकेंड पोजिशन, बट इन केस ऑफ थाइमिडिन देर इज एन एक्स्ट्रा ग्रुप इज प्रेजेंट दैट इज मिथाइल ग्रुप. सो थाइमीन और यूरेसिल में डिफरेंस है, देर इज अ प्रेजेंस ऑफ इन केस ऑफ थाइमीन देर इज अ प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ग्रुप ऑन फिफ्थ पोजिशन बट देर इज एबसेंट दिस मिथाइल इज एबसेंट इन यूरेसिल. तो सिमिलर स्ट्रक्चर है बस फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, इस वजह से जो नाम है इनके डिफरेंट है, साइटोसिन थाइमीन एंड यूरेसिल. नाउ नेक्स्ट इनका जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है इन डीएनए कैसे फॉस्फेट पेंटोज शुगर
फॉस्फेट से बाइंड बाइंड कर रहे हैं, फिर नाइट्रोजिनस बेस कहाँ पे अटैच हो रहे हैं, पूरा होल स्ट्रक्चर डीएनए स्ट्रक्चर. देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ थ्री कंपाउंड, थ्री कॉम्प्लेक्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, दैट इज नाइट्रोजिनस बेस. कैसे अरेंज होंगे? पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप. सो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट हाउ दीज पेंटोज शुगर बाइंड विद नाइट्रोजिनस बेस. तो हियर इज नाइट्रोजिनस बेस, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन इन केस ऑफ डीएनए. पेंटोज शुगर फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर फॉस्फेट ग्रुप और हियर इज नाइट्रोजिनस बेस शुगर, नाइट्रोजिनस बेस एंड हियर इज फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप. तो फॉस्फेट ग्रुप ना, अब यहाँ पे बॉन्डिंग कैसे होगी इन दोनों के बीच में? तो यहाँ पे हियर इज फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच है. तो अब इसके पूरा अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो एक्चुअली में एक ये अगर न्यूक्लियोटाइड है, दैट मीन्स की न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म बाय कितने किस किस चीज़ों से बना होगा कलेक्टिवली? फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस को कलेक्टिवली न्यूक्लियोटाइड बोला जाता है, नोन एज न्यूक्लियोटाइड. अब इन डीएनए स्ट्रक्चर देयर इज ए टू पॉली न्यूक्लियोटाइड है, देयर इज टू पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन इन डीएनए स्ट्रक्चर. डीएनए स्ट्रक्चर में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होंगे और दोनों ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में ये कैसे यहाँ पे अरेंजमेंट होगा? सो स्टार्ट करते हैं इसके स्ट्रक्चर से. स्ट्रक्चर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में कैसे ये डिफरेंट स्ट्रक्चर अरेंज होंगे? सो एक बार देख लेते हैं. हियर इज डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. इन डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हियर इज इफ द वन स्ट्रैंड हैज इन डायरेक्शन थ्री प्राइम एंड अदर इज फाइव प्राइम एंड अदर इज ऑन फाइव प्राइम एंड एक दूसरा स्टैंड फाइव प्राइम पे ऊपर होगा तो दोनों ही स्टैंड एंटी पैरेलल इन डायरेक्शन होंगे. एंटी पैरेलल डायरेक्शन में व्हाट इज थ्री प्राइम एंड व्हाट इज फाइव प्राइम? तो ये एक्चुअली में हमें दिखता कैसे है और कैसे थ्री प्राइम और फाइव प्राइम हम दोनों इंक्लूड करते हैं ना? एक जो डीएनए स्ट्रैंड है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, वो एक वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म बाय मोर देन there is many nucleotide molecules. So here is nucleotide molecule and this is bond in between two nucleotide molecule, that is phosphodiester bond. फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा, कैसे डिफरेंट मॉलिक्यूल अरेंज होंगे इन द न्यूक्लियोटाइड चेन में? अब यहाँ पे अब एक स्ट्रक्चर को देखते हैं फिर यहाँ से कैसे अरेंज होंगे. हियर इज पेंटोज शुगर, वन टू थ्री फोर एंड फिफ्थ CH2OH. यहाँ पे अरेंज होंगे फॉस्फेट ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ना. फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कैसे होगा? यहाँ पे इट्स फाइव प्राइम टू प्राइम एंड टू प्राइम थ्री प्राइम एंड फोर प्राइम एंड दिस कार्बन इज फाइव ऑन फाइव प्राइम.
Now in one position there is attachment of if purine is attached, so purine is attached with the help of ninth carbon, ninth nitrogen से attached होंगे. But in case of जो pyrimidine से, they are attached with this first carbon with the help of third nitrogen से attached होंगे. For example here is cytosine. If there is pyrimidine कैसे attached होंगे? तो pyrimidine attached with the help of third carbon, that is three nitrogen, then nitrogen. Oxygen, here is also oxygen, and here is it. In case of thymine कैसे bind हो रहे हैं? Thymine, that is pyrimidine, एक pyrimidine है. Pyrimidine इसमें single nitrogen है और यहाँ single chain है, तो यहाँ पे heterocyclic compound नहीं है, तो they are bind with the पेंटोज शुगर से. ये बाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ थर्ड नाइट्रोजन से. यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और बॉन्ड, ये नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड हो रहा है. फर्स्ट कार्बन एंड थर्ड नाइट्रोजन के बीच में ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड दिस बॉन्ड इज नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का फॉर्मेशन हो रहा है. अब यहाँ पे फॉस्फो, ये इस फिफ्थ कार्बन पे जो फॉस्फेट ग्रुप है और फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड जो प्रेजेंट है, बॉन्ड इज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड देखते हैं कि कैसे यहाँ पे प्रेजेंट होंगे. अब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज दैट विच इन्वॉल्व टू न्यूक्लियोटाइड चेन. तो यहाँ पे यहाँ पे एक जंक्शन होगा, जंक्शन का फॉर्मेशन कर रहे हैं जो इन्वॉल्व कर रहे हैं दो न्यूक्लियोटाइड कंपाउंड को. तो हियर इज व्हेन फॉस्फेट इज बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. तो हियर इज ऑक्सीजन, देन फॉस्फेट ग्रुप एंड ओएच, हियर इज ऑल्सो फॉस्फेट डबल बॉन्ड ग्रुप. तो यहाँ पे दिस बॉन्ड, अब ये जब बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे विद द अनदर न्यूक्लियोटाइड, तो इनके बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसे बोला जाएगा, क्योंकि एक फॉस्फेट के साथ ऑक्सीजन है, तो बॉन्ड इज नोन एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. नाउ स्ट्रक्चर ऑन में, हियर इज पेंटोज शुगर थ्री प्राइम हाइड्रोक्साइड ग्रुप एंड टू प्राइम एच, हियर इज एच हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड बाइंड विद द नाइट्रोजिनस बेस, एनी नाइट्रोजिनस बेस, फॉर एग्जाम्पल एडिनिन, एंड हियर इज अनदर फॉस्फेट ग्रुप. नाउ अब हमेशा हमने ये एंटी पैरेलल डायरेक्शन लिया है, फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम, और सिंथेसिस कैसे डीएनए रिप्लिकेशन में, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट हाउ डीएनए रिप्लिकेशन टेक्स प्लेस एंड हाउ न्यूक्लियोटाइड ऐड ऑन द न्यूक्लियोटाइड ऐड विद द अनदर न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल, कैसे न्यूक्लियोटाइड चेन होंगे और सिंथेसिस क्या हो गया. इन द ओनली जो सिंथेसिस है, दिस सिंथेसिस ओनली टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम. तो कैसे यहाँ पे सिंथेसिस हो रही है ये हमें डिस्कस करना है. तो हियर इज अनदर न्यूक्लियोटाइड जहाँ पे पेंटोज शुगर होगा, हियर इज पेंटोज शुगर, और पेंटोज शुगर के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडिनिन. इन दिस केस हाउ दिस न्यूक्लियोटाइड ऐड विद द फर्स्ट वन न्यूक्लियोटाइड, कैसे ऐड करेगा ये सेकेंड न्यूक्लियोटाइड. तो हियर इज अनदर, यहाँ पे सी एच फिफ्थ पर सी एच टू ओ एच अ ग्रुप जुड़ा हुआ है जहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप, एंड हियर इन दिस केस दिस फॉस्फेट ग्रुप अटैच इन द ट्राई फॉस्फेट, इन द फॉर्म ऑफ ट्राई फॉस्फेट के फॉर्म में ये जुड़े रहेंगे. These are attached with the with each other. कैसे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से अटैच करेंगे, अटैच होंगे. सो डायग्राम से समझ लेते हैं. हियर इज ए डायग्राम ऑफ शुगर, पेंटोज शुगर. नाउ थ्री प्राइम पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, ऑन द हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है वो प्रेजेंट ऑन थ्री प्राइम, और टू प्राइम पर देर इज एब्सेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सो ओनली एच इज प्रेजेंट ऑन. हाइड्रोजन इज प्रेजेंट ऑन टू प्राइम पोजिशन, ऑन वन प्राइम पोजिशन देर इज अटैचमेंट ऑफ एडिनिन.
any nitrogenous base, adenine, guanine, cytosine, except uracil, because जो मॉलिक्यूल है वो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल है. नाउ हियर इज पेंटोज शुगर. नाउ इफ इन दिस केस जब कोई दूसरा नाइट्रो न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे तो वो कैसे ऐड होंगे. हियर इज अनदर न्यूक्लियोटाइड 3' पर. सिमिलरली हियर इज अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, नाइट्रोजिनस बेस थायमीन, एंड हियर इज फॉस्फेट ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन 5' पर. CH2OH. Now phosphate oxygen यहाँ पे होंगे. Here is phosphate group किस form में होंगे? Triphosphate के form में. Oxygen here is also oxygen. अब क्या होगा triphosphate के form में क्या होंगे? That is कि deoxynucleotide triphosphate ये जो compound होगा तो deoxynucleotide triphosphate DNTP के नाम से इसे बोला जाता है. ट्राईफॉस्फेट के फॉर्म में रहेंगे. जब यहाँ पे 3' है, हियर इज 5'. है अब 5' to 3' सिंथेसिस ऑलवेज बोला जाता है कि डीएनए की सिंथेसिस और आरएनए की सिंथेसिस इन द डायरेक्शन ऑफ 5' to 3' डायरेक्शन में होगा. ये कैसे होता है 5 to 3' के डायरेक्शन में? बिकॉज यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप है, दिस फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट ऑन 5' पोजिशन ऑफ द कार्बन मॉलिक्यूल ऑफ द शुगर मॉलिक्यूल. और यहाँ पे ये फॉस्फेट जो प्रेजेंट है 5' पे, ये बाइंड करेंगे 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप और 1 हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ से अटैच यहाँ से रिलीज हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन. सिमिलरली हियर इज ऑल्सो हाइड्रोजन एंड हियर इज ऑल्सो हाइड्रोजन. लेकिन इन्हें ये हाइड्रोजन सम टाइम इन्हें डबल बॉन्ड में ही लिखा जाता है क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन एंड हियर इज हाइड्रोजन. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यही हाइड्रोजन रिमूव ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेंगे. जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और यहाँ से ये इस डबल बॉन्ड होने की वजह से ये जो है ये निगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ जाएगा. ना ये हाइड्रोजन इस के साथ रिलीज हो जाएंगे और 1 वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस होगा. हाइड्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू 1 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे और ये जो निगेटिव है फाइनली यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप निगेटिव फॉर्म में रिलीज हुए हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन पॉजिटिव फॉर्म में ये अपना एक बॉन्ड यहाँ पे डोनेट करके यहाँ पे रिलीज हुए हैं. तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ये निगेटिव में और लोन पेयर में शिफ्ट हो जाएंगे. नाउ दिस निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव इंटरेक्शन होगा और इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के थ्रू क्योंकि पॉजिटिव अटैक कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है. इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा यहाँ पे. इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के थ्रू यहाँ पे फाइनली जो हाइड्रोजन है ये क्या होगा कि ये ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में 3' पर जो कार्बन है इनके बीच बॉन्ड बन जाएगा. इसलिए डायरेक्शन जो होती है सिंथेसिस की वो 5' to 3' इन डायरेक्शन होगा. तो पूरी होल प्रोसेस में यही हो रहा है ना. अब बॉन्ड फॉर्मेशन हाइड्रोलिसिस में क्या हुआ, ये शिफ्ट कर गए, साथ में यहाँ पे लोन पेयर शिफ्ट हो गया. अब जब ये पूरी बॉन्डिंग चेंज होगी, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं ऑक्सीजन के पर लोन पेयर के फॉर्म में आ रहे हैं, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे. ये निगेटिव चार्ज क्या हो रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहे हैं और ये निगेटिव पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहे हैं. अब इलेक्ट्रोफाइल और निगेटिव फाइल मतलब पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और इसी बॉन्ड को क्या बोला जा रहा है, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड. फॉस्फो इन दो इस पूरे बॉन्ड को फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड बोला जा रहा है. फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. नाउ जब पूरी होल जो बॉन्ड जो शिफ्टिंग होती है बॉन्ड की शिफ्टिंग की वजह से यहाँ पे जब ऊपर कर हो जाएंगे तो यहाँ पे भी बॉन्ड
ये बॉन्ड यहाँ हो जाएंगे और यहाँ पे दो फॉस्फेट रिलीज हो जाएंगे, यहाँ से दो फॉस्फेट रिलीज हो जाएंगे, फिर ये अनदर न्यूक्लियोटाइड से बाइंड करके फिर से उन्हें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि एनर्जी के लिए जो एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, जैसे एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट है तो एक एडिनोसिन है वन ट्राई थ्री फॉस्फेट ग्रुप अटैच है, तो इसको क्या बोला जा रहा है, ये एनर्जी है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में ये एटीपी से एडीपी में कैसे कन्वर्ट होते हैं, एनर्जी यूटिलाइज होता है, तो एनर्जी में ये क्या करते हैं, फॉस्फेट ग्रुप अटैच करते हैं चार्जिंग के लिए। सिमिलरली यहाँ पर भी यही फॉस्फेट, ये ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में रहते हैं, डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में रहेंगे, और ये ट्राइफॉस्फेट में वन फॉस्फेट यूटिलाइज हो जाएगा इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, एंड ये दो टू फॉस्फेट रिलीज आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के फॉर्मेशन के बाद ये दोनों फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो जाएंगे। अब इस पूरे केस में क्या फॉस्फोडाइएस्टर का बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर हम एक लाइन में इसे देखें तो कैसे यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं और कैसे अटैच हो रहे हैं। तो हेयर इज, अगर कंपाउंड के थ्रू देखें, हेयर इज पेंटोज शुगर देन नाइट्रोजिनस बेस फॉस्फेट ग्रुप, हेयर इज अनदर फॉस्फेट ग्रुप पेंटोज शुगर नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर नाइट्रोजिनस बेस। सिमिलरली इसी फॉर्म में पूरी न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे, अगर उसको शॉर्ट में जो भी हमने देखा है वो शॉर्ट में अगर देखा जाए तो इसी तरीके से अटैच होंगे। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होगा इन सभी में, यहाँ पे पेंटोज शुगर नाउ नाइट्रोजिनस बेस, ये क्या है नाइट्रोजन, हियर इज ऑल्सो नाइट्रोजन, थायमीन फॉस्फेट ग्रुप इसी तरीके से। फॉर एग्जाम्पल अनदर अगर देखा जाए फॉस्फेट ग्रुप तो कैसे बाइंड रहेंगे, सिमिलरली हियर इज फॉस्फेट ग्रुप डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हियर इज ऑक्सीजन अनदर ऑक्सीजन देन पेंटोज शुगर देन फॉर एग्जाम्पल हियर इज अगर थायमिन तो अनदर कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कोई भी चीज यहाँ पे जुड़ सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड में ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड में ये होता है कि जब एडिनिन और थायमिन, एडिनिन ऑलवेज बॉन्ड विद थायमिन और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड इन बिटवीन थायमिन एंड एडिनिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और इन गुआनोसिन एंड साइटोसिन देयर इज अ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, जब नाइट्रोजिनस बेस के बीच में फॉर्म बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो वहां पे ये होता है कि एडिनिन ऑलवेज बाइंड विद थायमिन एंड साइटोसिन ऑलवेज बाइंड विद गुआनिन एंड वाइस वर्सा, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा डिफरेंट, यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस इसी तरीके से फॉर्म होंगे, बॉन्ड एक दूसरे से बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो एडिनिन ऑलवेज बॉन्ड विद फॉर्म बॉन्ड विद थायमिन एंड थायमिन इज ऑलवेज फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ एडिनिन, एंड सिमिलरली ग्वानिन विथ साइटोसिन एंड साइटोसिन विथ ग्वानिन। तो दो नाइट्रोजिनस बेस के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन ऐसे ही होता है, लेकिन न्यूक्लियोटाइड अगर ऐड हो रहे हैं, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे कोई भी आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे थायमिन है तो यहाँ पे साइटोसिन भी आ सकते हैं, हियर इज अगर साइटोसिन बनाया जाए साइटोसिन तो कैसे होगा नाइट्रोजन, H3 और सॉरी 2 अमोनिया एंड साइटोसिन और यहाँ पे ऐसे। अब ना दो के बीच में कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है नाइट्रोजन, दो चैन का कैसे फॉर्मेशन होगा, हियर अब न्यूक्लियोटाइड हमारा एक न्यूक्लियोटाइड बन गया है, सेकेंड न्यूक्लियोटाइड भी इसी तरीके से फॉर्मेशन होगा, और दो न्यूक्लियोटाइड कैसे ऐड हो, टू न्यूक्लियोटाइड दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच में कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इफ देयर इज सबसे पहले यहाँ पे पेंटोज शुगर हियर इज एंड नाइट्रोजिनस बेस,
तो नाइट्रोजन वो कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड होगा कि वो वेदर वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये डिपेंड करेगा कौन से नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड, हियर इज अगेन नाइट्रोजन, और फिर पेंटोज शुगर, क्योंकि एंटी पैरेलल डायरेक्शन में है, तो एंटी पैरेलल डायरेक्शन होने की वजह से यहाँ पे इस तरीके से दोनों अपोजिट, एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में शो होंगे। यार इस तरीके से नाइट्रोजिनस बेस, हियर इज 5 प्राइम पर फॉस्फेट ग्रुप, सिमिलरली 5 प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप। तो एंटी पैरेलल डायरेक्शन होने की वजह से एक चैन अपोजिट दिखती है, और ये चैन किस डायरेक्शन में होगी, हियर इज 3 प्राइम, तो यहाँ पे 5 प्राइम पर फॉस्फेट ग्रुप, सिमिलरली ये सीधी दिखाई देगी, मतलब 5 प्राइम पर यहाँ पे, हियर इज 3 प्राइम एंड 5 प्राइम, 5 प्राइम पे फॉस्फेट एंड 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे 3 अगेन वही है, बस जस्ट अपोजिट दिख रहा है क्योंकि एंटी पैरेलल डायरेक्शन में है। जैसे सिमिलरली हमने दो चैन के बारे में डिस्कस किया था, दोनों चैन किस में होंगे, अगर एंटी पैरेलल डायरेक्शन में है तो एक 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड अनदर वन इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम इन डायरेक्शन में होंगे। नाउ हियर इज फॉर देन फॉस्फेट, ऑक्सीजन, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजिनस बेस, अगेन हाइड्रोजन बॉन्ड, देन नाइट्रोजिनस बेस, सिमिलरली अपोजिट इन डायरेक्शन, फॉस्फेट ग्रुप 5 प्राइम, अगेन हियर इज 3 प्राइम। तो बॉन्ड का कैसे फॉर्मेशन होगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम इन डायरेक्शन। इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो दोनों चैन एक दूसरे से इसी तरीके से अटैच होंगी, ये मे बी डबल बॉन्ड हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड, अगर साइटोसिन प्रेजेंट है, ग्वानोसिन प्रेजेंट है और साइटोसिन प्रेजेंट है, तो ग्वानिन प्रेजेंट है और साइटोसिन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इस तरीके से एडिनिन एंड थाइमिन के बीच में, अगर फॉर एग्जांपल डबल वो हाइड्रोजन बॉन्ड, हियर इज ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड इन बिटवीन साइटोसिन एंड ग्वानिन, तो यहाँ पे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे है और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, इसी तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।